भारत का अगला वजीर आजम कौन होगा और किसके जीत के ज्यादा इम्कान है। 2019 के इंतखाबात नरेंद्र मोदी के लिए एक रेफरेंडम के तौर पर देखे गए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें एक जानब बहुत से लोग पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इनको नापसंद करने वाले लोग इन पर इंडिया में तकसीम बढ़ाने का इल्ज़ाम भी आयद करते हैं। बीजेपी का वोट हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा इन्हिसार नरेंद्र मोदी और इनके जारहाना अंदाज की साख पर है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें देखा जाए तो बीजेपी और इनके सियासी इत्तेहादी अगर चंद नशस्तें हार भी जाए तो बढ़ती कायम रख सकेंगे। इंडिया में 7 मराहल में मुकम्मल होने वाले आम इंतखाबात के नतीज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और इब्तदाई रुझानात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों को वाजहा सबकत हासिल है। लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद हालात बिल्कुल तब्दील नजर आए, लेकिन फिर भी माहिरीन ने खबरदार किया है कि माजी में एग्जिट पोल्स अक्सर गलत साबित होते रहे हैं। वोटों की गिनती तो शुरू है, लेकिन देखा जाए तो असल यही है कि मोदी एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म होंगे और राजीव गांधी को फिर से शिकस्त होगी।